हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में जानेंगे। यह वीडियो जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी और किसी भी एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालता रहता हूं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो आइए दोस्तों, फटाफट बिना वक्त गवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज़। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रोग क्या है। रोग शब्द का मूल अर्थ है व्यथा, यानी कि रुकावट, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना ही रोग कहलाता है। रोग के प्रकार, रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के समय से ही शरीर में होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे होठों का कटना हार्लिफ या पांवों का फिरना क्लब फुट इत्यादि। उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज वे डिजीज हैं जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, कॉम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। कॉम्युनिकेबल डिजीज यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोवा। रोग कारक जीवों का संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता है, उन्हें असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के होते हैं, डिजेनरेटिव डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, एलर्जी, कैंसर, जेनेटिक डिजीज। डिजेनरेटिव डिजीज यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे हृदय रोग। डिफिशियंसी डिजीज यह विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है, जैसे रिकेट्स, मरास्मस, प्लेगरा आदि। एलर्जी यह किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है। कैंसर यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ के कारण ये होता है। जेनेटिक डिजीज या आनुवांशिक कारकों के कारण होता है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया आदि। अब इस वीडियो का मेन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से डिजीज हैं, उनके क्या लक्षण हैं और क्या उपचार है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे आ रहा है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वह साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की प्लेहा यानी स्प्लीन और आंत यानी इंटेस्टाइन की ग्रंथियां जो होती है इसमें बढ़ जाती है।
रोगी को तेज बुखार रहता है और सिर में दर्द बना रहता है। उपचार जो है इसका उपचार जो है क्लोरोमाइसिटिस नामक दवाई से की जाती है। दूसरा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग आम भाषा में टीबी के नाम से जानते हैं। यह बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय चूमने से प्रसारित होता है। इस रोग के लक्षण ज्वार, रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी, शक्ति और वजन में ह्रास आदि इसके लक्षण हैं। इस रोग का उपचार स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला बैक्टीरियल डिजीज प्लेग है, जो कि बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, क्योंकि पिशुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। यह आसानी से चूहे से मानव जाता है। अगला बैक्टीरियल डिजीज है कॉलेरा। यह डिजीज जो है विब्रो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अगला डिजीज है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका उपचार हम लोग DPT का टीका लगाकर करते हैं। अगला बैक्टीरियल डिजीज है टिटनस, या लॉक जॉ के नाम से या धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। या बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। टेटनस जो है बैसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होता है। याद रखें दोस्तों, बैसिलस टेटनी टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस टेटनी। इसका उपचार हम लोग ATS का इंजेक्शन लगवा कर करते हैं, जिसे हम लोग टिटभैक कहते हैं। अगला जो डिजीज़ है वो लेप्रोसी या कोढ़ या आम भाषा में कुष्ठ रोग कहा जाता है। यह एक संचरणशील रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और इसका बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। याद रखें दोस्तों, लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसका उपचार MDT की दवाइयों द्वारा किया जाता है। इसमें तीन दवाइयां शामिल हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन, रेफिमिसिन। तीन तरह की दवाइयां होती है MDT में। अगला डिजीज है निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। रोगी को इसमें तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग करते हैं। अगला बैक्टीरियल डिजीज है वूपिंग कफ। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। जो वूपिंग कफ है यह हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और इसमें DPT का टीका लगवाया जाता है। इस रोग का प्रसार हवा द्वारा होता है, यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इस रोग से बचने के लिए हम लोग DPT का टीका लगवाते हैं। अगला बैक्टीरियल डिजीज है सिफेलिस, जो कि ट्रेफोनीमा पैलिटिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद अगला डिजीज है गनोरिया। यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये जो है नाइसेरिया गनोरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। नाइसेरिया
गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों ये थे बैक्टीरियल डिजीज। अब हम अगले पार्ट में वायरल डिजीज के बारे में जानेंगे। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगला जो हम लोग पार्ट लाएंगे ह्यूमन डिजीज का, उसमें वायरल डिजीज की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।